नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगभग एक महीने से लंबा जो आंशिक लॉकडाउन शुरू था, चल रहा था, उसका समाप्ति की उसकी घोषणा हुई है और ये घोषणा किस तरह से लोगों के लिए राहत लेकर आई है, ये घोषणा किस तरह से लोगों के लिए नई चुनौतियाँ लेकर आई है और इस घोषणा के बाद आने वाले दिनों में किस तरह की सावधानियां समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों को रखनी है, इस तमाम मुद्दों पर हम आज बातचीत करेंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी जो वर्चुअल बैठक में आज जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लॉकडाउन खत्म होने की घोषणा की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि कोविड का संक्रमण कम हुआ है, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि जो अभी स्थितियां हैं, ये ठीक है कि आज उत्तर प्रदेश में लगभग 98% से ज़्यादा जो रिकवरी रेट है वो आज उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में आज 600 से ज़्यादा संख्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुल जो संक्रमित लोग हैं अभी उनकी संख्या भी 15,000 से कम है। ये जो संकेत हैं ये कहीं ना कहीं उम्मीद जगाते हैं, कहीं ना कहीं एक भरोसा दिलाते हैं कि अब कोविड से शायद वो जो उसकी महामारी का जो आतंक था, उस आतंक का दूसरा दौर जो था, उससे अब हम उत्तर प्रदेश की जनता एक तरह से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ गई है। देश भर में भी अगर देखें तो आज 62 दिन के बाद 1,00,000 से कम संक्रमितों की संख्या है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत दूसरी लहर के आतंक से थोड़ा मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ा है। लेकिन खतरे अभी भी कम नहीं हैं, चुनौतियाँ अभी भी कम नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अगर राजधानी की बात करें, एक वक्त था जब अप्रैल का जो दूसरा पखवाड़ा था उस वक्त राजधानी लखनऊ में जिस तरह से कोरोना का आतंक फैल गया था, जिस तरह से रोज लोगों के जो मौत का आंकड़ा है वो 100 से ऊपर जा रहा था, जिस तरह से अस्पतालों में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी से लोग जान गंवा रहे थे, इलाज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, बेड्स नहीं थे, तमाम तरह के संकट थे और एक तरह का आतंक लोगों के बीच में फैल गया था। उस वक्त लखनऊ के व्यापारियों ने कहा था कि अब वो अपने स्तर पर बाजार, क्योंकि सरकार तो लॉकडाउन लगाने के खिलाफ, हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए थे 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने के, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, लेकिन और वहां से उनको स्टे भी मिल गया था, लेकिन लखनऊ के व्यापारी संगठनों ने, तमाम व्यापारी संगठनों ने कहा हमको अपनी जान प्यारी है, अपने कर्मचारियों की जान प्यारी है और व्यापार तो होता रहेगा, लेकिन अगर जान नहीं रहेगी तो क्या होगा। और उन्होंने अपने स्तर पर लखनऊ में जो तमाम तरह के लॉकडाउन अपने स्तर पर शुरू कर दिए थे, बाजार बंदी शुरू कर दी थी सरकार की एक तरह से इच्छा के विपरीत। और दूसरी तरफ लखनऊ में देखा जाए, उत्तर प्रदेश के जो मेडिकल के जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, सबसे बड़ी संख्या शायद उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ही उन लोगों की थी, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो दूसरी तरह के जो मेडिकल व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, जो टेक्निकल लोग हैं और तमाम तरह के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं और इस तरह के लोग, उन्होंने, उन पर एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी। उन्होंने बहुत एक तरह से अपनी जान पर खेलकर, और बहुत सारे लोगों को तो जान गंवानी भी पड़ी, लेकिन उन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर भी लोगों की जान बचाने की कोशिश की थी और एक ऐसी स्थिति लखनऊ में आज आ पाई है, तो उसके लिए जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं वो, उनके प्रयास भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं, उनके प्रयासों की वजह से भी आज हम कम से कम इतनी राहत की सांस लेने की स्थिति में आए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अभी संकट खत्म नहीं हुआ है, अभी चुनौतियाँ खत्म नहीं हुई और आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और अपनी साफगोई के लिए जाने जाने वाले पत्रकार शरद प्रधान, व्यापारी लखनऊ के हजरतगंज बाजार के व्यापारी राजेश बंसल, जो बहुत सारे सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हैं और समाज के और व्यापारी जगत के एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ए के सिंह, जो जिनका परिचय लखनऊ के लोगों के लिए बहुत एक तरह से अनजाना नहीं है। लखनऊ में अलग अलग मेडिकल कॉलेज से लेकर लोहिया अस्पताल से लेकर, और इस वक्त उनके पास देश की, प्रदेश की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके वो वाइस चांसलर के पद पर अभी वो जिम्मेदार विराजमान है और बड़ी जिम्मेदारी
उनके ऊपर है। ये हम इन तमाम लोगों का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और बातचीत की शुरुआत में सबसे पहले सरद जी आपसे करना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो स्थिति थी, पहले सरकार लॉकडाउन के खिलाफ थी, फिर सरकार ने लॉकडाउन लगाया, किस्तों में लॉकडाउन लगाया, और अंततः सरकार ने ये माना कि लॉकडाउन की वजह से जो कोरोना का मामला है उसमें बहुत राहत मिली है, और अब अभी भी जो सरकार ने घोषणा की है वो घोषणा है कि एक सप्ताह के लिए अभी ये प्रयोग है, अगर एक सप्ताह में संक्रमण की स्थितियां ठीक रहीं तो ये प्रयोग और आगे बढ़ाया जाएगा, अन्यथा इस पर अभी पुनर्विचार भी हो सकता है। आप इस फैसले को किस रूप में देखते हैं, कितनी राहत है, कितनी चुनौतियां हैं? गोविंद, मुझे लगता है कि बड़ा स्वागत योग्य है ये निर्णय जो लॉकडाउन लिफ्ट करने का लिया है। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही थी, परेशान थे, खासतौर से जो रोज़गार से जुड़े हुए लोग हैं, लोगों के नौकरियां चली गई, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, लोगों को रोजी रोटी की जो समस्या हो रही थी, और जो मामूली लेबर है, जो डेली वेज अर्नर है, उसके लिए बहुत बड़ी सीरियस क्राइसिस थी। अब ये जिस तरह खुला है इससे मुझे लगता है कि लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब बस इसी उम्मीद में लोग रह रहे हैं कि तीसरी वेव ना आ जाए। ऑफकोर्स इन चीज़ों पे प्रकाश डालेंगे डॉक्टर AK सिंह, वो बेहतर समझते हैं, और मेरा ख्याल उनसे जानना ये भी ज़रूरी है होगा कि आगे चल करके आगे की राह क्या है, क्योंकि लोग अभी लोगों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है गोविंद, की लोग किस तरीके से रहें और किस तरीके से आगे के संक्रमण को रोके। लोग ये ना सोचने लगे, खासतौर से भाई ये हमारे देश में भी समस्या और उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा है, कि लोग बड़ी जल्दी कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि अरे सब ठीक है, अब ख़त्म हो गया। अब पहले भी देखा होगा लोगों ने कह दिया, जब सेकेंड वेव आ रही थी जब तो कहा, बोला नहीं ख़त्म हो गया कोविड। तो इस तरीके की का ढीलापन और अभी भी लोगों को समझना ज़रूरी है कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, मेरे ख्याल अमिताभ बच्चन के कहने से लोग नहीं समझते हैं तो कैसे समझेंगे, इस पर मेरा ख्याल डॉक्टर साहब प्रकाश डालेंगे। बिल्कुल, डॉक्टर साहब से तो हम समझेंगे किस तरह की चुनौतियां हैं आने वाले दिनों में, लेकिन जो अभी फिलहाल जो लॉकडाउन खुला है उससे जो प्रत्यक्ष रूप में जो सबसे बड़ी राहत दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है जो व्यापारी वर्ग है, खासतौर पर जिस तरह से लंबे समय से दुकानें बंद थी और पूरा कारोबार ठप था, और दुकान या व्यापार का जो कारोबार है वो सिर्फ दुकान के मालिक से नहीं जुड़ा होता, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़ा होता है, उसमें जो सप्लाई चेन है उसके जो लोग हैं उनसे जुड़ा होता है, उससे जो ग्राहक हैं उनसे जुड़ा होता है, तो एक बहुत बड़ा वर्ग उससे जुड़ा होता है। अब हम जिस तरह से कल सुबह 7 बजे से जो लॉकडाउन का ये जो आंशिक लॉकडाउन का चरण था करीब 1 महीने से ज़्यादा लंबा, वो ख़त्म हो गया है, अब हम उसके बाद नए सिरे से देखेंगे, बाजार खुली हैं, दुकानें खुली हैं और लोगों की आवत जावत है, तो हम राजेश जी आपसे समझना चाहते हैं कि क्या तैयारियां हैं आप लोगों की, किस तरह से व्यापार का जो अब कल से जो नया चरण शुरू होगा आप किस तरह की सावधानियां बरतेंगे, और क्या क्या चीज़ें आपको लगता है जो आप अपने जो ग्राहक हैं, अपने जो उपभोक्ता हैं उनसे अपेक्षा रखते हैं? देखिए, लखनऊ में 2 तरह की मार्केट्स हैं लखनऊ में, एक रिटेल और एक होलसेल। रिटेल मार्केट में रोड साइड शॉप्स भी हैं, कॉम्प्लेक्स में शॉप भी हैं और कुछ घनी गलियों में भी शॉप्स हैं, जिसमें दोनों साइड व्यापारी भी हैं और कस्टमर को एंटर करने में जो है बहुत पास रहना पड़ता है। तो उसके लिए व्यापारियों की तैयारी इस तरह से है, जैसे कि मेरी बात हुई, जैसे कि जो हम लोग का प्रोसेस है कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि नो मास्क नो एंट्री, एक नंबर बात। दूसरी बात यह है कि शॉप्स में कोई भी कस्टमर एंटर करता है या आता है तो सबसे पहले हैंड सैनिटाइजर, ये हाथ उसके जो है सैनिटाइज करें। तीसरी बात यह कि जब शॉप में आता है तो सेल्स स्टाफ और कस्टमर दोनों का मास्क में रहना बहुत ज़रूरी है, और कस्टमर जब डील हो जाता है उसके बाद, जाने के उसके बाद, जो सीट पर जहाँ बैठा है वहाँ पर पूरा सैनिटाइजेशन काउंटर पे और गेट पे, क्योंकि ये सावधानियाँ जो है हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक व्यापारी वर्ग जो है काफ़ी समय से इस परेशानी को झेल चुका है, पिछले लॉकडाउन में भी और इस लॉकडाउन में तो व्यापारी बहुत परेशान है, और मुझे लगता है। और जहां तक होलसेल की बात है तो होलसेल मार्केटों में भी कस्टमर बाहर से आता है, लखनऊ से छोटी जगह से आता है, तो जो छोटी जगह से कस्टमर आता है तो वो थोड़ा सा
मास्क के प्रति अवेयरनेस उनमें कम रहती है और वो थोड़ा परवाह भी कम करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों को यही है कि भाई उन लोगों को भी हम प्रेशराइज करेंगे, बल्कि सब शॉप से मास्क भी बहुत सारी रखाए गए हैं कि भाई अगर कोई मास्क लगा के नहीं भी आता है तो आप उनको मास्क प्रोवाइड करिए, हैंड सैनिटाइज करिए, फिर डील करिए उनको। तो उससे क्या है, ये छोटी छोटी सावधानियां अगर हम लोग बरतते हैं तो मुझे लगता है कि आगे जो कोविड की जो रोकथाम में जो है बहुत बड़ा फायदा होगा, और इसमें सभी का फायदा है और व्यापारी का सबसे ज्यादा वो है, क्योंकि व्यापारी सबसे ज्यादा पीड़ित है इस लॉकडाउन में, क्योंकि सैलरी देनी देनी है उनको। तो मेरा यही करने का मतलब है कि हम लोग की तरफ से पूरी तैयारी है और पूरी सावधानी बरती जाएगी कि भाई हम लोग जो है नियमों का पालन करें और उसी हिसाब से कोरोना का सामना करें। जी ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरती जाएगी तो जैसे सड़कों पर लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो निश्चित तौर पर अगर सावधानी हटेगी तो कोरोना की तीसरी लहर, जिसकी आशंका अभी तक लगातार है कि तीसरी लहर भी आएगी भारत में, तो उस लहर का मुकाबला करना हमारे लिए दूसरी लहर से भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए अभी से जो सावधानियां हैं वो बरतनी बहुत ज़रूरी है, और जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बाबत बिल्कुल साफ कहा है कि अभी ये संक्रमण खत्म कम हुआ है, खत्म कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना अभी है, और कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस और दूसरी तरह की जो दूसरी तीसरी उससे जुड़ी समस्याएं हैं वो भी लगातार बरकरार हैं, और एक तीसरी लहर की आशंका हमारे सर पर खड़ी है। डॉक्टर ए के सिंह, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब जो वक्त है, आने वाला वक्त, इसमें जो आम लोग हैं उनको किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है, किस तरह से वो लोग अपने को इस कोरोना के जो प्रभाव है उससे बचा सकते हैं, किस तरह की आपकी तरफ से सुझाव हैं कि आम आदमियों को, आम लोगों को इस संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या प्राथमिक प्रयास करने चाहिए? मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर साहब के बारे में, क्योंकि अभी तक ये लोहिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे और फर्स्ट फेज कोरोना और सेकंड, इन्होंने सेकंड केस की जो वर्स्ट क्राइसिस थी उसको हैंडल किया है, और सैकड़ों सैकड़ों पेशेंट्स, जो सबसे बड़ा सेंटर इनका मेडिकल कॉलेज के बाद यही था, तो इनको जितना तजुर्बा है सेकंड वेव की हैंडलिंग का और किस तरीके से लोगों को की जाने बचाई गई हैं, और साथ साथ वैक्सीनेशन भी इन्होंने करवाए, तो इन सब बातों में प्रकाश डाल सकते हैं। थैंक यू शरद जी। हम शुरुआत करेंगे थोड़ा इतिहास से ये शुरुआत करेंगे कि ऐसी महामारी करीब 100 साल पहले आई थी, स्पेनिश फ्लू, वो भी एक वायरल इन्फेक्शन था, 2 साल चला था, करीब 2 करोड़ लोग मरे थे उसमें, तब समझ लीजिए आबादी भी कितनी कम रही होगी। अब उसी तरह की महामारी 100 साल बाद आई है। इन 100 सालों में हमने अभी तक वायरस के खिलाफ कोई भी एक कारगर दवा नहीं निकाली है, ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं जनमानस कि वायरस के खिलाफ अभी भी कोई दवा नहीं है। इतिहास में उसमें देखा था हमने, उसमें 3 वेव आई थी, पहली वेव जो आई थी वो थोड़ी मॉडेस्ट सी थी, दूसरी वेव काफी तेज आई थी और उसमें सबसे ज्यादा मृत्यु दर रही है, और तीसरी छोटी वेव आई थी। तो हमें अगर कॉमन सेंस से सोचें या इतिहास से हम कुछ सबक लें तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी 3 वेव आएंगी, ये उम्मीद करते हैं कि तीसरी वेव अभी थोड़ी छोटी होनी चाहिए। हालांकि जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉम्प्लेसेंट रहें, हम लापरवाह रहें, तैयारी इसी तरह से करें कि भाई सेकेंड वेव से खराब भी आए तो भी हम निपट सकें, तो एक फॉल्स सेंस उसमें ना रहें, लेकिन हाँ ये हम उम्मीद करते हैं कि तीसरी वेव आएगी। जो फर्क हुआ है तब से, वो फर्क ये हुआ है कि मेडिकल फैसिलिटीज तब से काफी बढ़ गई हैं। जैसे हमने कहा वायरस की दवा तो नहीं आई है, लेकिन और एंसिलरी सपोर्ट बहुत आ गई, जैसे ऑक्सीजन की सपोर्ट, हॉस्पिटलाइजेशन की सपोर्ट, बाकी चीजों की सपोर्ट, इसलिए सेकेंड वेव में जितनी मृत्यु शायद हो सकती थी उतनी नहीं हुई, बहुत लोग बच भी गए हैं इस सब की वजह से। एक चीज और अच्छी आई है कि अब वैक्सीनेशन उस जमाने में नहीं था 100 साल पहले, अब वैक्सीनेशन भी आ गया है। हम लोग जितना अभी एहतियात रख लें तो हम थर्ड वेव को उतना टाल सकते हैं, हमारा मानना ये है कि हम उतना टाल सकते हैं, उतनी छोटी कर सकते हैं, और बहुत अगर अच्छा इम्यूनाइजेशन हो जाए तो हो सकता है थर्ड वेव को हम बिल्कुल बचा भी ले जाए।
इसके लिए जरूरी ये है कि हम लोग सारे प्रिकॉशंस लेते रहें, क्योंकि हम जानते हैं हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही है। हमारा टारगेट होता जा रहा है कि धीरे करके सारी पॉपुलेशन को, जितनी अधिक से अधिक पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सकें, जिसमें जिससे कि उनको प्रतिरोधक क्षमता हो सके, एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए जिससे वायरस प्रोपोगेट ना कर पाए। और जितना हमको टाइम मिलता है, टाइम किससे मिलेगा, हमको टाइम मिलेगा अगर हम अपने प्रिकॉशंस मेंटेन रखेंगे। प्रिकॉशंस क्या है, बहुत सिंपल है, सब लोग जानते हैं, वही है कि अभी मास्क नहीं छोड़ें, अभी हम लोग सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करते रहें, स्वच्छता बनाए रखें, हम तो और आगे तक कहेंगे एयर कंडीशनिंग वगैरह का कम प्रयोग करें, फ्रेश एयर का ज्यादा इस्तेमाल करें जितना हम लोग कर सकें, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि बीमारी को बढ़ने में मददगार नहीं होती हैं। डॉक्टर साहब, जो एयरबोर्न कहते हैं, जो एयरबोर्न कहते हैं, इसमें क्या, इसका क्या रियल सेंस में माने है? लोग समझते हैं कि जैसे हवा में उड़ रहा है, कहीं भी निकलेंगे तो लोग फ्रेश एयर में जाने से घबराते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत हम आसानी समझा देते हैं। देखिए, एयरबोर्न का मतलब ये है कि अगर हम एयर कंडीशन्ड एटमॉस्फेयर बंद में रहेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए एक अमाउंट ऑफ वायरस है, मान लीजिए गिनती के लिए हम कह रहे हैं 1 लाख वायरस है, 1 लाख तो कुछ भी नहीं होता, शायद 1 पिनहेड के बराबर होगा। तो अगर 1 लाख वायरस में क्या होगा, उसी इन्वायरमेंट में घूमते रहेंगे, लेकिन अगर हम खुले में हैं तो उतनी ही स्पेस का 1 लाख वायरस वो डाइल्यूट हो जाएगा पूरे समाज उसमें एटमॉस्फेयर में, इसलिए खुले की इम्पोर्टेंस है। दो तरह के इन्फेक्शन थे, एक कहते थे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या होता है, जब हम लोग खांसते हैं छींकते हैं तो जो कण निकलते हैं उसमें वायरस होता था, वो हेवियर देन एयर होते थे, तो वो थोड़ी देर में सेटल कर जाते थे। एयरबोर्न में ये है कि वो हवा में लाइट रहते हैं और वो हवा में उड़ते रहते हैं। वायरस तो ये मान के चले हम लोग अब भी है और अब हम लोग के साथ आगे भी रहेगा, वायरस खत्म नहीं होने वाला है। जैसे बहुत सी वायरल डिजीजेस साथ हम लोग रहते रहे हैं तो ये भी वायरस अभी चलता रहेगा। हाँ, वायरस डिजीजे तब खत्म हो पाती है जब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जैसे स्मॉल पॉक्स का रहा है या पोलियो का रहा है, इतना वृहद इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो सके। लोग अभी भी अननेसेसरली बाहर ना निकलें, अगर मजबूरी हो तो ही जाएं, क्लोज स्पेसेस में कई लोगों के साथ अवॉइड करें और अपने जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं, मास्क, घर के अंदर आकर के हाथ धोना, सैनिटाइजेशन करना, ये सब चीजों को हम लोग अभी भी बरकरार रखें। मतलब कि ये जो चीजें जो सिखाए गए थे पैंडेमिक से बचने के लिए, वो एक रूटीन लाइफ का हिस्सा बन जाना चाहिए। जी, मतलब अभी 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 हम लोग, जब तक कि हम लोग की हर्ड इम्यूनिटी इतना ना हो जाए, जब तक कि हम लोग का वैक्सीनेशन करीब 70-80% तक ना हो जाए, तब तक हम लोग ये चीजें करते रहें। जो ग्रेजुअल लॉकडाउन हटाना है वो एक बहुत अच्छा स्टेप है। उससे जैसे आपने अभी बताया, राजू साहब ने बताया कि हम लोग की इकोनॉमी में, या राजेश ने बताया इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ता है, और बहुत सी स्टेज पे तो ये आ जाता है, लोग सोचते हैं वायरस से मरे न मरे, या तो भूख से मर जाएंगे, तो हम लोग क्यों वो चीजें फॉलो करें। तो लॉकडाउन धीरे धीरे हटाने का पर्पज ये है कि आप देख सकते हैं कि वायरल इन्फेक्शन लॉकडाउन हटाने से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो आप फिर से लॉकडाउन इन्फोर्स कर दीजिए। तो इसलिए लिमिटेड और ग्रेजुअल हम लोग उस लॉकडाउन को ढीला करते हैं, जो कि सरकार कर रही है, विच इज अ गुड स्टेप। और जहां लगे कि हाँ नहीं, अब हमारे केसेस फिर बढ़ने लगे हैं, तो हम लोग मजबूरी में फिर से और स्ट्रिंजेंट मेजर्स पे फिर वापस आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को इस दूसरी लहर में कोविड हुआ है, कोरोना हुआ है, और या पहली लहर में हुआ था, उन लोगों को किस तरह की कोई अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत है? नहीं, उनको भी सावधानी रखने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस जो है वो अभी बहुत परफेक्ट साइंस नहीं है। हम अभी भी देख रहे हैं, रोज पेपर में डिबेट कर रहे हैं कि ये साहब इंडियन वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है, यूके का वेरिएंट है, हांगकांग का वेरिएंट है ना। तो हम लोग भी अभी 100% श्योर नहीं हो पाते हैं कि हाँ हर बार कितने वायरस घूम रहे हैं और कितने वायरसेस से इन्फेक्शन हो सकता है। तो पता चला आपको इम्यूनिटी तो हुई जो भी है, ये भी नहीं मालूम कि हम लोग के एक इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी 1 साल रहती है कि 10 महीने रहती है कि 8 महीने रहती है या 30 दिन रहती है या बिल्कुल नहीं रहती है। तो ये सब चीजें अभी साइंटिफिकली हम लोग बहुत थरो नहीं हो पाए हैं, इसलिए बेस्ट वो है कि हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स अभी भी मेंटेन करते रहे। अभी आपसे और बातचीत करके हम और जानकारियां लेने का प्रयास करेंगे डॉक्टर साहब।
शरद जी, फिलहाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक प्रयोग किया था, उसने संकट निगरानी समूह एक बनाए थे जिसमें विधायक, सांसद, जो ग्राम सभा के प्रतिनिधि हैं, नगरीय निकाय के प्रतिनिधि हैं, इस तरह के तमाम लोगों को उसमें शामिल किया गया था, और उसके जरिए कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है उसको एक तरफ तो मेडिकल के स्तर पर उससे मुकाबला सरकार कर रही थी, दूसरी तरफ सरकार ने कम्युनिटी लेवल पर उस मुकाबले को आम आदमी से जोड़ने की कोशिश की, यहाँ तक कि जो जो वॉरियर थे, कोरोना वॉरियर, उनको भी उन्होंने, जो अब डॉक्टर्स के अलावा जो लोग थे उनको उन्होंने चार अलग अलग तरह की कैटेगरी में रखा, जिसमें एक थे जो मेडिकल अस्पताल से सीधे जुड़े थे, दूसरे थे जो वैक्सीनेशन प्रोसेस से जुड़े थे, तीसरी तरह के लोग थे जो समाज में जागरूकता के लिए जुड़े थे, उनको एक अलग तरह का आई कार्ड दिया गया था, अलग तरह की पहचान दी गई थी, और चौथे वो थे जो मोहल्ला जागरूकता वॉरियर्स के तौर पर उनको एक तरह से सरकार ने मान्यता दी थी, और इस अलग अलग इन चार स्तर के लोगों और जो संकट निगरानी समूह हैं उनके जरिए मध्य प्रदेश ने जो कोरोना की लड़ाई थी उसमें ग्रामीण स्तर तक काफ़ी लोगों के बीच पहुंचकर लोगों को जागरूक करने और इस संकट से लड़ने की लोगों को ताकत दी, लोगों को एकजुट किया, और जो सामुदायिक यानी कि समाज के मिले जुले प्रयासों से इस समस्या का निदान किया। उत्तर प्रदेश में ये ठीक है कि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार हमेशा यही कहती रही है कि हमने जो कुछ किया है उसी की वजह से सब हुआ है। क्या आपको उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के किसी सामुदायिक प्रयास की आवश्यकता आज की तारीख में लगती है? इस तरह का कोई कम्युनिटी से लोगों को लाकर उनको जोड़कर कोरोना का मुकाबला किया जाए, इस तरह की कोई संभावना लगती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी का संगठन भी इस तरह के मामलों में बहुत आगे नहीं आया। अभी कोरोना काल में ही हम देखें तो बीजेपी के संगठन से जुड़े लोगों की कानपुर में किसी अपराधी को छुड़ाने में भूमिका दिखाई देती है, अलीगढ़ में शराब के बहुत बड़े षड्यंत्र से जुड़ी भूमिका दिखाई देती है, लेकिन समाज में कोरोना से लड़ते हुए दिखाई देने की भूमिका मीडिया में कहीं नहीं दिखाई देती। आपको क्या लगता है भाई गोविंद? ऐसा है कि ये जहां तक निगरानी समिति का सवाल है, कहने को तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी बनाई गई थी और सरकार बार बार कहती थी कि गांव-गांव में जो है निगरानी समितियां काम कर रही हैं, लेकिन जब गांव ग्रामीण इलाके में संक्रमण फैला तो इन निगरानी समितियों का कुछ अता पता नहीं था। तो हमारे देखिए फर्क क्या है मध्य प्रदेश और हमारे यहाँ में, कि हमारे यहाँ कागज पे बहुत कुछ हो जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो, ये इसकी बहुत आवश्यकता है। ये जो है कोई भी संवेदनशील सरकार चाहेगी कि इस तरीके का प्रयास हो जिसमें समाज जुड़े, जिससे ये मैसेज जो है, क्योंकि हर एक ये सिर्फ मशीनरी ऑफिशियल से पॉसिबल नहीं है, एक कॉमन मैन के स्तर पे ये मैसेज जाना जरूरी हो, और वो सिविल सोसाइटी के जरिए से ज्यादा अच्छे तरीके से जा सकता है। लोगों को समझाना, इस तरीके की एक्टिविटी करनी चाहिए कि जो जो स्कूलों के बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मेरा ख्याल अगर उनको ऑनलाइन के जरिए से इस पूरे दौर में एवरी डे ये समझाया जाता तो ये मैसेज काफी डीप ड्रिल कर जाता, और खाली उनको नहीं करता, जो उनके माँ बाप बैठ के पढ़ाते हैं ऑनलाइन, उन्हें देखो दे मॉनिटर करते हैं, उनको भी जाता, तो वो सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि फैमिलीज के अंदर अंदर तक ये बात चली जाए। तो ये मुझे लगता है और जोरों से, ये डंडे से नहीं ठीक होगा, जिस तरीके से आपको कई दफे देखने को मिला है कि जो है अब यहाँ पे जोर इस पे होता है कि साहब कितने लोग चालान किए गए बिना मास्क के, ये क्रिमिनल एक्ट, इसको मत बनाइए कि नहीं किया तो क्राइम हो गया, उसको समझाने से होगा, और वक्त है, अभी वक्त था, वक्त का तो प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट की है। मुझे लगता है कि ये अप्रोच जो है कि जो वायलेट कर रहा है पैंडेमिक लॉज उसको और एक क्रिमिनल को एक तरीके से ट्रीट करें, ये मानसिकता बदलने की जरूरत है, और सभ्य समाज में, मॉडर्न सोसाइटी में, सोसाइटी को ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए, उसके लिए काउंसलिंग एक जरिया है, ये पुलिसिंग जरिया नहीं है। और ये जो है आपने देखा होगा सेकंड फेज के अभी लास्ट के दौर में जरा अप्रोच अच्छी बेटर हो गई थी, लोग तब भी लोग निकलते नहीं थे, अब इनको देख लीजिए, राजेश बताएंगे कि किस तरीके से ट्रेडर्स ने अपने आप दुकानें ऑफर कर दिया बंद करने को, बंद कर दी, लॉकडाउन से पहले ही बंद कर दिए थे मार्केट्स, जो एक बड़ा अच्छा मूव था,
तो ये सब चीजें तब होंगी जब सोसाइटी को इन्वॉल्व करके किया जाएगा, न कि पुलिसिंग के जरिए से। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, जैसा शरद जी ने कहा कि ये समाज को इसमें जब तक जोड़ा नहीं जाएगा तब तक इस लड़ाई में सफलता बहुत मुश्किल है, तो व्यापारी होने के नाते आपका जो समुदाय है वो कल सुबह के बाद से, जैसे लखनऊ में ही अगर हम बात करें तो कल सुबह के बाद से आपके पास लोगों का आना जाना शुरू होगा, उपभोक्ता आपके पास आएंगे, तो आप लोगों ने कोई इस तरह का अवेयरनेस के लिए कोई योजना बनाई है कि जो ग्राहक आए, ये तो ठीक है कि आप उनको मास्क के लिए प्रेरित करेंगे, आप उनको बिना मास्क के आने नहीं देंगे, आप उनको सैनिटाइज करके ही उनसे काम करेंगे अपना कारोबार, लेकिन क्या लोगों को जागरूक करने के लिए भी व्यापारी समुदाय ने किसी तरह की कोई योजना बनाई है? एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं राजेश, मैं एक चीज और गोविंद की बात में जोड़ना चाहूंगा कि इसमें आपके साथ ऐसा भी होता होगा और होगा कि लोग, बहुत से कस्टमर आएंगे, बड़ा कस्टमर है, लेकिन वो होता है ना भाड़ में जाइए, हम नहीं सुनते आपकी बात, हम नहीं कर लगाएंगे मास्क, ऐसे बहुत लोग होते हैं, तो ऐसी सूरत में किस तरह हैंडल करेंगे, ये भी एक बड़ी बड़ा चैलेंज है। ऐसा होता है, ऐसा है कि ऐसे कस्टमर भी आते हैं, तो उसको डील करने का ये है कि अपने सेल्स स्टाफ से सबने ये बोला हुआ है कि भैया इस तरह का कोई कस्टमर आता है तो आप उनको डील मत करिए। अच्छा, क्योंकि कस्टमर से आप मिसबिहेव तो कर नहीं सकते, उनको समझाया ही जा सकता है, और समझाने के बाद कस्टमर मान भी जाता है, अगर आप उनको ढंग से समझाइए तो मान भी जाता है, ऐसा नहीं है। और बाकी हम लोगों में अवेयरनेस तो देखिए व्यापारियों में पहले लॉकडाउन के बाद से तो आ गई इस साल, क्योंकि पिछले साल व्यापारियों ने बहुत कुछ झेला है, बहुत नुकसान बर्दाश्त किया है पिछले साल लॉकडाउन में, तो इस वजह से इसीलिए आप देखिए जब हमारे वहाँ शहर में बहुत ज़्यादा कोरोना के केस बढ़ने लगे तो व्यापारियों ने, जैसे हजरतगंज व्यापार मंडल है या लखनऊ व्यापार मंडल है, मीनाबाद है, इन लोगों ने अपने आप 15 अप्रैल को सारे मार्केट्स बंद कर दिए कि भाई हम दुकान ही नहीं खोलेंगे। तो सरकार का लॉकडाउन तो मई में शुरू हुआ है, लेकिन व्यापारियों को लॉकडाउन अप्रैल में हो गया था। तो मतलब कहने का ये है कि हम लोग खुद बहुत अवेयर हैं कि भाई हम लोगों को किसी भी की तरह के, हमारे स्टाफ को या हमारे कस्टमर को या व्यापारियों को किसी तरह का जो है कष्ट ना झेलना पड़े, क्योंकि अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम आगे कुछ कर भी पाएंगे। तो इस वजह से हम लोगों की तरफ से पूरी तैयारी है, और इस बात के लिए कि भाई किसी भी तरह का हमारी तरफ से कोई वो ना हो, और व्यापारियों को, रिक्शे वालों को, और जो लेबर क्लास है सबको हम लोग मास्क भी बांट रहे हैं, सैनिटाइजर भी बांट रहे हैं, और कोरोना काल में तो लोगों को दवाइयां भी बहुत प्रोवाइड कराई गई हैं कि भाई ठीक है, मतलब जो है कि समाज का अंग है हम लोग, खाना वाना भी बहुत प्रोवाइड किया गया जिनको, जो भूखे लोग थे जैसे भी था। तो व्यापारियों की तरफ से देखिए सारा सहयोग समाज में है, और हम लोग मैसेज भी देते हैं कि भैया ऐसा है, सावधानी बरतिए, और बाकी जो सरकार का नारा है दो गज दूरी मास्क है जरूरी, उस पर हम लोग जो है बहुत अमल करते हैं, और यही हमारा भी है। बिल्कुल, यही जरूरत भी है वक्त की। डॉक्टर साहब, अभी जैसे मुख्यमंत्री ने भी कहा और आपने भी अपनी बात में कहा कि तीसरी लहर तो आनी है, वो कितनी बड़ी होगी, कितनी खतरनाक होगी ये अलग बात है, हम उसको कितना कम कमज़ोर बना सकते हैं ये अलग बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो अपना आज का जो उनका वक्तव्य है उसमें इस बात पर जोर दिया है कि एक तो वैक्सीनेशन की प्रोसेस को लगातार तेज किया जाए, जून में 2 लाख प्रतिदिन की बात कही है और जुलाई में उसको और 3 लाख से ज़्यादा बढ़ाने की बात कही है, इस तरह तक के आप मतलब रिकॉर्ड बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। साथ ही जो पीएससी और सीएससी उनका जो उनको अपग्रेड करना है, उनको कोरोना की लड़ाई के लायक बनाना है, उसके लिए भी सरकार ने अपने प्रयासों को ये कहा है कि वो लगातार जारी रहेंगे, जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनकी सुविधाएं और उनकी व्यवस्था भी लगातार जारी रहेगी। आपके हिसाब से जो तीसरी लहर की आशंका है उसके लिए किस तरह की तैयारियों की अभी जरूरत है, और कितनी तैयारियां हमारी अभी हैं और कितनी बहुत जल्दी करने की जरूरत है? देखिए, एक चीज जो कोरोना की वजह से बहुत अच्छी हुई है वो एज ए स्पिन ऑफ कि मेडिकल पे सरकार का बहुत ध्यान गया है,
पहले मेडिकल डिपार्टमेंट जो था वो काफी निग्लेक्टेड सा होता था और जीडीपी का कुछ ही हिस्सा, बहुत एक माइन्यूट सा हिस्सा ही जीडीपी का होता था। लेकिन इस बीमारी में गवर्नमेंट ने भी रियलाइज किया कि हम जो मेडिकल पे कर रहे हैं वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं, अगर हम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगा रहे हैं, हम और वैक्सीन बनाने की क्षमता बढ़ा रहे हैं, हम वेंटिलेटर्स बढ़ा रहे हैं, तो ये सिर्फ टेम्पररी चीज नहीं है कोरोना के लिए। ये चीजें ऐसी हैं जो कि हमेशा कोरोना के बाद भी काम आती है। जहां तक आपने कहा थर्ड वेव की तैयारी के लिए, एक थोड़ा सा मेडिकल जगत में या जैसे भी कहें काफी कुछ एक इम्प्रेशन सा चल रहा है कि शायद थर्ड वेव में बच्चे भी अधिक संक्रमित होंगे। ये इस तरह का एक अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि पहली वेव में देखा कि सब जो कि वयस्क लोग थे, वयस्क से भी ज्यादा जो एल्डरली थे उनमें ज्यादा बीमारी हो रही थी, कोमॉर्बिड वाले में ज्यादा बीमारी हो रही थी। इस वाले में देखा नहीं, 25-30 साल के लोग भी इन्वॉल्व होने लगे और काफी संख्या में आए भी हैं। तो एक ये भय है, एक शंका है कि शायद हो सकता है छोटे बच्चों में भी हो। तो गवर्नमेंट इस समय लग रही है कि यहाँ छोटे बच्चों के हिसाब से भी तैयारी कर लें, क्योंकि छोटे बच्चे सिर्फ जो है स्मॉल एडल्ट्स नहीं होते हैं, उनकी संरचना में उनके के शरीर में थोड़े थोड़े से भिन्नताएं होती हैं जो कि एडल्ट से डिफरेंट होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट लगी हुई है कि हाँ हम पीडियाट्रिक बेड्स भी, पीडियाट्रिक आईसीयू भी, ये सब भी तैयार रखें कि हम अनअवेयर ना पकड़े जाए इस बार बीमारी से। और जहां तक कितना इनफ है ये तो कहना बहुत मुश्किल है कितना इनफ है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि केस लोड या डिजीज का लोड या डिजीज का बर्डन कितना हो जाता है। लेकिन जितना हो सके, जितना सेकेंड वेव में हम लोगों ने देख लिया है, उससे ज्यादा की तैयारी करें और सिस्टम ऐसा बना लें कि अगर उससे भी ज्यादा बढ़ते हैं तो हमारा सिस्टम रिस्पॉन्सिव हो जाए, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हो कि हम खट से और बेड्स डेवलप कर सकें और फैसिलिटीज डेवलप करें। ये मेरे ख्याल से शायद इसी पे कार्य चल रहा है। और जैसे सब लोग मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं कि भाई थर्ड वेव ना आए तो बहुत अच्छा है, आए भी तो बहुत छोटी सी आए। और इन सब प्रोसीजर से अगर हम लोग को टाइम, ब्रीदिंग टाइम और मिल जाता है, जैसे पहली वेव आई थी तो सब लोगों ने कहा था हमारे यहाँ तो N95 मास्क ही नहीं बनता है, हमारे यहाँ तो पीपी किट ही नहीं मिलती है। लेकिन जब वो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन में प्रोलॉन्ग लॉकडाउन से एक फायदा जो हुआ ये है कि हमारे हमें तैयारी करने का टाइम मिल गया। वरना अगर वो लॉकडाउन नहीं होता तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच का गैप अगर बहुत कम होता तो शायद जितनी अभी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं, डेथ्स हुई हैं, शायद उससे कहीं ज्यादा और हो गई। जो छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन की बात है, कब तक इसके आने की संभावना है, कितना काम इस पर हुआ है? छोटे बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो गए हैं और अभी तो जैसे आपको मालूम है 18 तक का लोगों ने कर दिया है। दूसरे देशों में भी ट्रायल्स हो रहे हैं, यहाँ पे भी ट्रायल हो रहे हैं, कहीं कहीं पे किसी किसी देश में हमने 12 से ऊपर का भी कर दिया है, कहीं कहीं थोड़ा सा और भी, और हम कहेंगे और ब्रेव या बोल्ड स्टेप्स लिए और नीचे में। तो हम लोग यहाँ भी ICMR वगैरह स्टडी कर रही है छोटे बच्चों में, वॉलंटियर्स में, कि उनको भी वैक्सीन देख लें, वैक्सीन से कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है। मेन चीज यही देखनी होती है कि वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं। इतने कम समय में हम शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स ही देख सकते हैं, तो कोई शॉर्ट टर्म एडवर्स रिएक्शन या साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो हम लोग छोटे बच्चों को भी खोलते हैं। चलिए, उम्मीद करनी चाहिए हमको कि छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीन जो है वो जल्दी आ जाए और जो तीसरी लहर है वो कम से कम एक छोटी लहर के तौर पर आए, दूसरी लहर से बड़ी ना हो, बहुत छोटी हो, और हमारी तैयारी इतनी रहे सब उससे पहले कि उसका मुकाबला हम लोग एक मजबूत देश और एकजुट समाज के तौर पर कर सकें। दूसरी लहर में जैसी आतंक जिस तरह से आम आदमी में फैला था, वैसा आतंक अगर कोई तीसरी लहर है तो उसमें न फैले। इसी उम्मीद के साथ हम आपकी बात को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। डॉक्टर AK सिंह, आपका बहुत धन्यवाद बहुमूल्य जानकारी के लिए। सरज जी, आपका धन्यवाद हमेशा की तरह, और राजेश भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने दर्शकों का हम आह्वान करना चाहते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम को, अपने इस प्रिय कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने जो विचार हैं, अपने जो सुझाव हैं, अपनी जो टिप्पणियां हैं, उनसे हमको अवगत कराते रहें।
ताकि द फ्री प्रेस के माध्यम से एक निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता को मजबूत बनाने के लिए, उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास सफल हो सकें, आपकी भागीदारी इसमें जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।